दीदी तू ब्रेड बटर या बिस्किट खा लेना। अच्छा मैंने जो प्लान बनाया वो सुन। मुझे कोई प्लान चाहिए। नहीं सुनना। क्यों नहीं सुनना? अरे आपने अकेले के लिए प्लान कैसे बना लिया? मुझसे एक बार पूछा भी नहीं। जस्ट बिकॉज आप मुझसे एक मिनट पड़ी हो तो कुछ भी। ऐसी बात नहीं है दीवी। ऐसी बात है, आप ना हमेशा ऐसी करते जाओ। मुझे तुम्हारा कोई प्लान नहीं सुनना है। अच्छा तेरे प्लान कितने भयंकर होते हैं तुझे पता है ना? हमेशा जब तेरे प्लान के हिसाब से चलते हैं ना तो हम किसी ना किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। मेरे प्लान्स भयंकर होते हैं? अच्छा मैंने ऐसा क्या किया है? क्या मुसीबत में डाला है आपको? अच्छा ऐसा क्या किया है याद दिलाऊं? याद है बचपन में जब हमारे घर पे टीवी नहीं थी और तुझे संडे की मैच देखने मनन चाचा के घर पे जाना था और मम्मा पापा सो रहे थे, तूने निकलते वक्त इतनी आवाज की कि मम्मा पापा जाग गए और मम्मा की सारी डांट किसको पड़ी? सारी डांट आपको पड़ी। मम्मा मुझे बार बार कहती रही कि तुझे दीवी को समझाना चाहिए था, तू तो दीवी से बड़ी है। और मैं मम्मा को कहते कहते थक गई कि मम्मा दीवी तो एक नंबर की शैतान है, मेरे समझाने से थोड़ी समझती है। कभी एक बार में मेरी बात सुनी है तूने? हाँ तो उसके बाद आपने डांट खिला दी ना मुझे। उसके बाद बड़ा मजा आया था। क्या मुझे डांट खिला के आपको मजा आता है? मुझे पता है ना मुझे धनिया से कितनी सख्त नफरत है, इसकी बात मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगती, नाक में चढ़ जाती। हंस मत। मुझे ना बहुत भूख लगी है। क्या खाऊं? अंडे खाऊं? ओह अंडे शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। और वो तो कर रही है, ये तो गलत बात है ना दीदी, क्योंकि तुझे जादू आता है मुझे नहीं। देख दीदी आप से जब भी मुझे फ्यूचर देखेगा ना मैं तुझे कुछ नहीं बताऊंगा। कब बताओ? अभी तो मैं फ्रेंच टोस्ट खाऊंगी। ब्रेड मेरा फ्रेंच टोस्ट बना देगी। बस इतना मत कर। दीदी दीदी नहीं दीदी। ओह नो क्या किया तुमने? मैं हेल्प करती हूँ। पूरी पर्दे में उलझ गई, देख के नहीं चल सकती थी, सारे फोटोज गिरा दिए। I'm sorry ma'am, I'm really sorry, sorry। वैसे तो तुम्हें आदत है लोगों के दिल दुखाने की, तुमसे एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हैं कि तुम चीजों की परवाह करो। I'm really sorry ma'am। बड़ी माँ वो मेरी गलती है, मैंने गलती से उसको जोर से धक्का लगे और पर्दे में फंस गई। I'm sorry। तुम इसकी तरफदारी क्यों कर रही हो? गलती इसकी है, इसकी गलती पर पर्दा मत डालो। जिसने गलती की है उसे एक्सेप्ट करने दो। सॉरी मैम मुझसे गलती हो गई। I'm really sorry। मैं ये सब साफ कर देती हूँ ना मैम। मैम ये आपके पापा की तस्वीर है। हाँ उनकी आखिरी फोटो, उनकी आखिरी सांसों से पहले ली गई थी। उसके बाद वो हमसे बहुत दूर चले गए। मैम ये सारी फोटोज कितनी प्यारी है, लाइए मुझे दे दीजिए, मैं इन्हें स्कैन करवा के वापस से फ्रेम करवा देती हूँ, सो दैट ये फोटोज हमेशा ऐसे ही रहे। और ये खराब, मैं भी यही करने वाली थी। इतनी कीमती यादों की जिम्मेदारी मैं किसी और के हाथों में दे सकती हूँ, तुम्हारे हाथों में बिल्कुल नहीं। मैं उठा देती हूँ। गिराने वालों से उठाने की उम्मीद नहीं की जा सकती, मैं खुद कर लूंगी। दी बेटा तो मेरे लिए फोटोग्राफ स्कैन करवा के इन्हें फ्रेम कर दोगे? वो बड़ी माँ हाँ ओके थैंक यू। क्या दिया, हम एक आंख वाली औरत के बारे में डिस्कस करने वाले थे ना, अब वो छोड़ के ये करना पड़ेगा? हाँ तो ठीक है ना, ये महिमा मैम के पापा की तस्वीर है। इसके साथ उनकी पुरानी यादें, पुराने रिश्ते जुड़े हैं और ये सब उनके लिए बहुत मायने रखते हैं, जैसे हमारे लिए हमारे मम्मी पापा। सॉरी दी मेरी वजह से डांट पड़ गई। इट्स ओके, अब गलती की है तो सजा भी मिलेगी। व्हाट सजा, मैं तो चली बॉस। कहाँ चली बॉस, लेकर जाओ। ओह बड़ी मॉम्स ऑर्डर्स। सी यू इन अ बिट। सी कल रात को तो तुम मुझसे बचकर चले गए रक्षित, पर आज ब्रेकफास्ट तो अपने साथ ही करवाऊंगी, आखिर तुम्हारे लिए ही तो आई हूँ। कहाँ गया? अरे अरे कितने गिर रही कुड़ी है, सिद्धि हो जा, नहीं तो कमर टेढ़ा फिगर मेढ़ा हो जाएगा। थैंक यू मासी। ओ
गुड मॉर्निंग मासी। हाँ चलो सुबह अच्छी है। सुन सुन। हाँ, या मासी सुबह तो अच्छी है, रात का दिन कैसा होगा? दिन 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 तो बहुत ही बुरा जाने वाला है मासी। शिट जो नहीं दिख रहा है कहीं पर। ये शैतान, तीसरी आंख वाली तो बोल रही है कि दिन बुरा होगा, इसका मतलब इसने जरूर कुछ बुरा होते देख लिया होगा। हैं कहीं मुझे लाश ठिकाने लगाते तो नहीं देख लिया इसने? नहीं नहीं नहीं, देख भी लिया हूँ ना तो भी असली में इसे देखने नहीं दूंगी मैं। चल जल्दी से उस लाश से पीछा छुड़ा लेती हूँ। ये शैतान, ये चूजा पिए अभी तक यही चिपकी पड़ी है, अब फिर लाश का कुछ नहीं हो सकता। चल प्रीतो पलट ले। ठीक है। अरे मैं रूम में बैठे बैठे बोर हो रही थी तो सोचा कि यहाँ पे आके आपसे बातें कर लूँ और फोटोज भी स्कैन करके अपलोड कर लूंगी। तो ये सब कमरे में करती ना, किचन में क्यों ले? अरे अभी तो बोला आपको मैंने कि मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे आके आपसे बात कर लूँ और यहाँ पे स्कैन करके अपलोड भी कर लूँ। दी मुझे दी मत बोल, मैं सुन लेगा ना। क्या करूँ, आपको देख के मुझे दी निकलता है। अरे लिसन, देखो मुझे ये दिखाना था, यहाँ पे कितने सारे फोटोज और वीडियोज है। ये हमारे मुंह दिखाएगी, मेहंदी, शादी, अरे जगराता का भी है देखो। दी फिर दी बोलो। अच्छा सुनो, मुझे एक बात समझ में नहीं आता, जगराता में तो सब लोग बिजी थे तो ये वीडियोस किसने निकाले? अगली किसी ने सेट करके रख दिया होगा, सब अपने आप रिकॉर्ड हो गया होगा। ओह ये तो मैंने सोचा ही नहीं। भी वही सोच रही है जो मैं सोच रही हूँ। दूल्हे के कपड़े में तो कोई भी हो सकता है, कोई भी घर वाला। हाँ चल जगराती की सारी वीडियो रिकॉर्डिंग देखते हैं। हाँ देखते हैं फैमिली में से कौन सा मेंबर मिसिंग है। पूरा देख, ये देखो पराठे की खुशबू बहुत अच्छी है, एक बाइट दो ना। दीदी यहाँ हम जगराती की वीडियो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं और तुझे खाने की सूझ रही है। अरे दो ना, कॉन्सेंट्रेट। हाँ खिलाओ ना प्लीज। तो नहीं सुधरेगी ना। गरम है संभाल के। आई लव यू दी, आई लव इट। मेरी पुकड़ बहन, क्या चल रहा है? गुड मॉर्निंग। काम चल रहा है, वो बड़ी मॉम ने ना फोटो स्कैन करके अपलोड करने के लिए बोला है। अच्छा ये स्कैनिंग तो अपलोड होके नाश्ता नहीं बन जाएगा ना? ये पकड़ो ये लिस्ट, आज का ब्रेकफास्ट का मेन्यू। पर चाची मैंने ब्रेकफास्ट के लिए ऑलरेडी पराठे बनाना शुरू कर दिए। पराठे? जी हम लोग ब्रेकफास्ट में आटे पराठे नहीं खाते, नो वेज। लिसन जी, तुम मेरे और बैरी के लिए पोस्ट एग्स बना देना, शिखर के लिए फ्रेंच टोस्ट बना देना और ये मोटे मोटे पराठे उस मोटापे की शौकीन ओजस को खिला देना। और जब तुम मेरे लिए एग्स बनाओगे तुम मेरा फेवरेट काली मिर्च का पाउडर उसमें डाल देना। वो यहाँ पर इस शेल्फ में रखिए। So, come on girls, hurry up, time जा रहा है, okay? Yep. Okay, चाची। मुझे तो लगता है ये शैतान औरत यही है, इसकी मटकती भटकती आंखें, चाल चलन एकदम चुड़ैलों जैसी, यही है वो एक आंख वाली औरत। देवी वो एक आंख वाली औरत खूनी थी, कातिल, उसने हमारी मम्मा पापा को मारा था और भी ना जाने कितने लोगों को मारा होगा। और ऐसे किसी पे भी इल्ज़ाम लगाने से पहले एक बार सोच तो लिया कर। हाँ चाची में थोड़ा एटीट्यूड है पर चाची खूनी नहीं लगती। अच्छा चाची ने वो जो काली मिर्च बोली है वो पास कर। हाँ अरे दी पहले, सबसे पहले हम लोग जगराते का पूरा वीडियो देख लेते ना, ये सब तो हम लोग यू बाद में भी कर सकते हैं। इतना वीडियो हमारे हाथ लगा है, पहले इसको खत्म करते हैं, फास्ट फॉरवर्ड में देख लेते हैं। चलो ये देखो, अरे मेरी चुड़ैल सास जा रही है। ये देख जसविनी चाची भी जा रही है। अरे बड़ी माँ भी जा रही है। ये देख एक एक करके तो ये सब चली गई। हाँ सिवाय इनके। हाँ सिर्फ एक प्रीतो मासी है जो पूरे जगराते में नीचे थे। इसका मतलब सिर्फ ये हमारे शक के दायरे से बाहर है। हाँ सिर्फ प्रीतो मासी
बाकी के सारे हमारे शक के दायरे में, खास करके इस घर की बड़ी औरतें और एक जवान लड़का। बने, शिखर का चेकअप हो गया, डॉक्टर ने कहा है वो ठीक है। हाँ एग्जैक्टली, मीटिंग लाइंड अप है वो देखो। हाँ ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ मैं, और तुम राइट तुम उन फाइल्स को रेडी कर लो, उसके बाद मैं आता हूँ। नहीं उनको कॉल कर दो मेरी तरफ से, टेल देम दैट आई एम कमिंग, या आई विल बी देयर। बुद्धू ये तो ऑफिस जा रहे हैं। अरे ये तो वो कह रहे हैं कि ऑफिस जा रहे हैं, हमें क्या पता कहाँ जा रहे हैं। आपको शिखर पे भी शक था ना, लेकिन एटलीस्ट वो पूरा दिन घर पे रहता है, उसमें नजर रखना आसान है। ये तो पूरा दिन बाहर ही रहता है, बाहर जाके लोग कुछ भी कर सकते हैं, यू नेवर नो। हमें क्या पता बाहर जाके क्या कर रहा है, किससे मिल रहा है। मुझे तो लगता है ये एका वाली औरत से ही मिलने जा रहा है। कहाँ खो गई? बात तो तू सही कह रही है देवी। बात तो मैं हमेशा सही कहती हूँ देवी। रक्षित सर ना दिल के बहुत अच्छे हैं। आई मीन ऊपर ऊपर से गुस्सा दिखाता है, अखरू टाइप्स, सभी को लगता है ये औरों से कितने अलग हैं, पर ऐसा नहीं है। आई मीन इनके दिल में भी इमोशंस है, और लोगों के लिए परवाह है। और याद है जब शिखर को चोट लगी थी तब ना वो पता है मुझे पता है उसका दिल बहुत अच्छा है, शिखर का भी दिल बहुत अच्छा है। इस घर में सबके दिल बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर हम सब लोगों की अच्छाइयाँ देखने लग गए तो उनका बुरा कैसे पता चलेगा? किसके दिल में कौन सा राज दफा है, क्या सीक्रेट है, कैसे पता चलेगा? दी मुझे तो ये दोनों ही एक नंबर के झूठने लगते हैं। कौन दोनों? रक्षित और शिखर। ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ और ही। तो आप क्या कर रही थी? अरे आपने तो बोला कुछ प्लान है, बताओ। हाँ प्लान। अच्छा दीवी तो ये सब हैंडल कर लेंगे ना? आया ऑफ कोर्स, तू हैंडल कर, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। मुझे तो प्लान हैंडल करना था। कुकिंग नो। ओ विनय, मैं मेहरा की फाइल लाना तो भूल ही गया। विनय फाइल आ गई। वेल मिसेस शेरगिल, दो लफ्ज कहने मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, पहला तो तुम जानती हो, और दूसरा मुझे कहना ही पड़ेगा। थैंक्स। चले मिस्टर शेरगिल। क्या? नो यार, दी भी ना मुझे खाने पे लगा के चली गई। मेरे चुड़ैल सास को चाहिए अंडे। अब कैसे बना पोस्ट एक्स? हाँ इंटरनेट पे सर्च करती हूँ। पोस्ट की स्पेलिंग क्या है? POACHED। ओह थैंक्स। वेलकम। अब दी कहाँ पर है? वो अभी भी रक्षक के साथ ऑफिस गई है। जस्ट अभी गई है क्या? हाँ। लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? कुछ नहीं। ये ऐसे क्यों भाग गया? दी तुमने दी के बारे में क्यों बताया? मुझे तो इसकी अडॉप्टेड फैमिली पूरी घोटाला लगती है। ये तो इस शहर के बड़े वाले शेरगिल है ना जी। ना शहर के नहीं, पूरे देश के अमीरपति हैं। दिया होप आप दूर निकल गई हो। क्यों? क्यों मतलब? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम क्यों कार में हो, कहाँ जाना है तुम्हें? आप कहाँ जा रहे हैं मिस्टर शेरगिल? मैं अपना काम करने अपने ऑफिस जा रहा हूँ। मैं भी वही करने वही जा रही हूँ। शायद आप भूल गए कि मैं आपकी पीए हूँ, घर पर भी और ऑफिस में भी। एक मिनट, कहीं आप उन लड़कों में से तो नहीं जो सोचते हैं कि शादी के बाद लड़कियों को काम नहीं करना चाहिए? अगर आप उन लड़कों में से हैं मिस्टर शेरगिल, तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि मैं उन लड़कियों में से बिल्कुल नहीं हूँ। मैं ये नहीं कहती कि शादी के बाद हर लड़की काम करती है या उसे काम करना ही चाहिए। मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ जो शादी के बाद घर रहकर घर का काम संभालना चाहती है, पर मैं उनकी भी रिस्पेक्ट करती हूँ जो शादी के बाद घर और ऑफिस दोनों का काम संभालना चाहती है। वो कहते हैं ना सबके अपने अपने चॉइस होते हैं, सबके अपने अपने डिसीजंस, अपनी अपनी जिंदगी, सबको अपनी जिंदगी जीने का हक होता है। तो मैंने ये सोचा है कि मैं शादी के बाद ऑफिस और घर दोनों संभालूंगी। अगर मुझे भी कुछ बोलने दोगी? मुझे दी से बात करनी है। तुम्हारा ऐसे आना, मेरे साथ ऑफिस जाना, मुझे कोई ताजुब नहीं हुआ, क्योंकि तुम्हारे काम करने से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ ताजुब तो इस बात का हो रहा है कि मुझे लगा था कि शायद तुम भी उन लड़कियों में से हो जो शादी के बाद काम नहीं करना चाहती, बस घर बैठकर सपने सजाना चाहती है। यू नो पिंक हार्ट, रोमांटिक हस्बैंड्स। पिंक हार्ट और रोमांस की उम्मीद मुझे आपसे नहीं है मिस्टर शेख, और आप मुझे इतना जानते ही कहाँ हैं। और तुमने भी अभी मुझे जाना ही कहा है मिसेस शेरगिल, इसीलिए तो साथ जा रही हूँ। दी आप, आपसे मुझे बात करनी, आप चली क्यों गई? बहुत जरूरी बात करनी थी। हाँ विनय बोलो। हाँ फाइल है मेरे पास। हाँ वो भी मेरे साथ ही। क्यों क्या हुआ, क्यों पूछ रहे? हेलो विनय, बैठिए, फोन मेरा चार्जर देना। मुझे क्या पता कहाँ है? What? Listen, तो मिसेस शेरगिल नहीं, फिलहाल मिस पीए हो, राइट? मेरा चार्जर ढूंढो। हाँ वो
लव में होगा शायद। सॉरी। पिंक हार्ट जिसकी अभी आप थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। सीने में दिल नहीं है पर दिल है, साबित करने के लिए दिल को ड्रॉ कर दिया। इंटरेस्टिंग मिस्टर शेगिल। मैंने ड्रॉ नहीं किया, किसी और ने किया है। लव मुझे दो मिसेस शेगिल। मिसेस शेगिल अभी अभी आपने तो कहा मैं आपकी पीए हूँ, तो इसका मतलब मुझे आपका ये भरा पूरा सस्पेंस थ्रिलर ग्लोव कंपार्टमेंट बॉक्स साफ कर देना चाहिए। क्या पता है इसमें किसका दिल हो और उसमें क्या क्या रखा हो। क्या हुआ? मुझसे एक्सपेक्ट नहीं किया था राइट? मैंने कहा था ना मिसेस शेरगिल, तुमने अभी मुझे अच्छे से जाना ही कहा। बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल हूँ मैं, और हाँ किसी को नहीं पता कि मैं सच में हूँ क्या। ये पिंक हार्ट तो तुमने देख ही लिया, दैट मीन्स रोमांटिक भी हूँ, बट तुम्हारे लिए नहीं। कुछ बोल नहीं रही, तुमसे बात कर रहा हूं मिसेस शेरगिल। एक्चुअली वो पिक्चर और वो हार्ट वो सब ऐसे ही है, इट्स अ रैंडम क्लिक। इसमें हंसने वाली क्या बात है? नहीं नहीं मैं हंस नहीं रही हूँ। एक्चुअली मैं आपकी बातों पे नहीं हंस रही हूँ, मैं तो बस आपके चेहरे के एक्सप्रेशन पे हंस रही हूँ। अभी भी वही एक्सप्रेशन है, तस्वीर में भी वही और तकदीर में भी वही। जो पास में है और साथ में है उसे नजरअंदाज करना, जहाँ पर कोई नहीं है वहाँ नजरों का घूरना, पिंक हार्ट ऑफिस में, सपनों में मेहरा की डील। और हम कहते हैं आप रोमांटिक है। हंसना बंद करो, हंसना बंद करो, वरना ऐसा कुछ बोल दूंगा जो मैं कभी बोलता नहीं, या फिर मुझे बोलना आता नहीं। वैसे भी आपको बोलना क्या आता है? ऑफिस की बातें, ऑफिस की फाइल, मेरा की डील। और बस यही सपना। मेहरा की डील नहीं, हमारी डील, होली वाली डील, तुम्हें याद है? जो मांगूंगा वो तुम्हें देना पड़ेगा, याद है ना? इसलिए मुझ पर हंसने से पहले या मुझे चढ़ाने से पहले 10 बार सोच लेना, कुछ भी मांग सकता हूं और वो तुम्हें देना पड़ेगा। गुड। छोटू, 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 ये शैतान, ये और इसके कौन छड़ू खराटे। हाँ जी से देखो किचन से चिपका पड़ा है, और यहाँ ये मुंह फाड़े नींद में ऐसा पड़ा है, ऐसा पड़ा है, मन तो कर रहा है इसके मुंह में मौत ही डाल दूं मैं। अबे ओ आलसी जान, उठ उठ उठ। देख छोटू उठ जा, वरना ऐसी लात पड़ेगी ना हमेशा के लिए उठ जाएगा तू। चलो वहां ये पड़ा है, वहां वो दोनों पड़ी है, अपने किचन में जाऊं तो जाऊं कैसे? उफ दी, तो ये पूरा खाना बनाने का मुझे ही देखे गई। गॉड, पराठे का आटा, आज तक मैंने चाय कॉफी नहीं बनाया, ये पराठे कैसे बनाऊं? लेट्स ट्राई। ओह पराठे का आटा, ओ माय गॉड, हाथ पूरा वाइट वाइट हो गया है, ऐसा लग रहा है स्नो से निकली हूँ। मुझे चाय कॉफी कुछ तो चाहिए, मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा। या फिर मैं। गुड मॉर्निंग भाभी दी, कैसी हैं आप? वाओ सो हॉट। पराठा बहुत गरम गरम लग रहे हैं। नहीं गरम नहीं, ठंडा है। तुम्हें भूख लगी है? मैं तो हमेशा ही भूखा रहता हूँ, और किचन में आने के बाद तो मुझे वैसे भी कुछ ज्यादा ही भूख लगती है। तो तवा सामने ही है, गैस जलाओ, पराठे गरम करो और भूख पकाओ। कॉफी या चाय कुछ तो चाहिए, दिमाग नहीं चल रहा। फी कहाँ है? एक मेरे लिए भी।
क्या हुआ? तुम्हें चाय पीनी है तो मैं तुम्हारे लिए चाय पत्ती निकाल देता हूँ। तुमने देखा ना, मेरी पहुंच बहुत लंबी है। अच्छा वैसे भी एक बात बताओ, उस दिन पहली रसोई के दिन खाना तुम लाने नहीं बनाया था ना? सब रसोई तुमने बनाई थी ना? नहीं। तो फिर किसने बनाई थी बताओ ना, किसने बनाया था बताओ, वरना जाना नहीं तुम। ओए लफंडर, अगर मैं चाहूँ तो अपनी मनोगामी शक्ति यूज करके अभी तेरी रसोई बना दूँ, तेरे चाय बना के गैस पे उबाल दूँ, पर मैं ऐसा कर नहीं सकती। किस्मत है तेरी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।